हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश किस क्लास में। आज संडे है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। कल सैटरडे था, कल मैं यहाँ था नहीं, तो कल मैं क्लास वीडियो नहीं डाल पाया एक्चुअली। और आज संडे है तो आज एडिटोरियल आया नहीं, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कन्वर्सेशन क्लास लेते आऊँ। तो बीच बीच में मैं कन्वर्सेशन की क्लास भी लाता रहूँगा, कुछ स्टोरीज़, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के माध्यम से भी आप लोगों को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूँगा। और एडिटोरियल तो डालता ही रहूँगा, वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये जो कन्वर्सेशन लाया हूँ, इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को इंग्लिश को मतलब बोलने में सुविधा होगी। आप बोलने काफ़ी आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे अगर इस तरह के सेंटेंसेस का आप यूज़ करेंगे तो, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। तो देखिए, मैं हालांकि इसका इसमें जो भी ग्रामर का यूज है, जो जो भी मीनिंग है, उन सारी चीज़ों को भी मैं समझाता चलूँगा, ठीक है। क्या लिखा है, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मैनी का मतलब कितना, क्या होता है कितने, पीपल मतलब लोग, योर फैमिली मतलब आपके परिवार, तुम्हारे परिवार, इन मतलब में, और आर मतलब हैं, और देयर मतलब, देयर का यूज एक्चुअली वहाँ होता है, लेकिन देयर का यूज अगर सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के सबसे पहले हो तो वहाँ पे देयर का यूज कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे वो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट उसको बोलते हैं एक्चुअली, कुछ सब्जेक्ट को एज्यूम करके, क्योंकि जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिलता है ना, तो देयर, इट, इन दोनों को एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दिया जाता है, वहाँ पर उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब यहाँ पर कहिएगा कि देयर का मतलब वहाँ होगा, तो फिर होना चाहिए कि आपके परिवार में वहाँ कितने लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हाउ मैनी पीपल आर इन योर फैमिली भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देयर का यूज वहाँ हो सकता है, लेकिन वहाँ को यहाँ पे हाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, ठीक है। तो आगे है कि देयर आर फाइव पीपल इन माई फैमिली, कौन कौन, माई फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड मी। हाँ, और ऊपर का जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था, ठीक है, क्योंकि आर का यूज है। इज, आर, एम जहाँ भी यूज हो वो प्रेजेंट टेंस का होता है, वॉज, वर यूज हो तो वो पास्ट टेंस का होता है, और शैल, विल का यूज हो तो इसका फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होता है, ठीक है। रात हो गई है काफ़ी, इसलिए नींद भी आ रही है मुझे, लेकिन चलिए मैं अभी क्लास रिकॉर्ड करके तब सोऊंगा। अभी तो 12:30 बज रहे हैं, 2 बजे के आसपास सोऊंगा मैं। तो देयर आर फाइव पीपल इन माई फैमिली, माई फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड मी। मेरे परिवार में, माई फैमिली मतलब मेरे परिवार में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। आप 6 बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, जितने लोग हों उतने लोग बोल सकते हैं। अब कौन कौन है उनके बारे में बता रहा है कि मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है और मैं हूँ। एंड मी मतलब मैं, तो मेरे परिवार में 5 लोग हैं, पिता, माता, भाई, बहन और मैं। डज योर फैमिली लिव इन अ हाउस और एन अपार्टमेंट। डज का यूज यहाँ पे हुआ है, डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ठीक है। और हिंदी, ये भी बता देता हूँ कि हिंदी वाक्य, जो भी हिंदी वाक्य होता है उसके लास्ट में अगर वो प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो लास्ट में रहता है ता है, ती है, ते हैं। हम हिंदी में किसी वाक्य को कैसे पहचानते हैं कि कौन से टेंस में वो आता है, तो इसी से कि लास्ट में कौन सा उसका साइन है, जैसे ता है, ती है, ते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। जैसे यहाँ देखिए, रहता है, रहते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा हो ही हर सेंटेंस में, कोई कोई बहुत सारे सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जो जिसमें ऐसा नहीं भी होता, लेकिन सेंस के आधार पर उसको पकड़ा जाता है। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर सेंटेंसेज, यानी ये जो साइन दिया गया है, ता है, ती है, रहा है, रही हैं, तो इसके आधार पर 80 से 90% सेंटेंस इसी कैटेगरी में आते हैं, ऐसा होता ही होता है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जो नहीं भी होते, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी सेंटेंस होता है उसका अगर क्वेश्चन शुरू होता है तो क्वेश्चन में शुरू में डज या डू का यूज होता है, ठीक है। अगर वो
किस तरह का क्वेश्चन है, अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब डब्ल्यू एच वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, तो डब्ल्यू एच वर्ड भी आप लोगों को नहीं, कई लोगों को नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए एक होता है यस नो क्वेश्चन, ठीक है, और एक होता है यानी यस नो क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या वह आता है, क्या वह जाता है, तो इसमें हाँ या नहीं ही आंसर होगा, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन होता है वो डब्ल्यू एच वर्ड वाला होता है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला यानी वो उसमें जो आप उसका आंसर दीजिएगा तो वो एक वर्ड में उसका आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर आपको उसका कंप्लीट देना पड़ेगा। जैसे राम कहाँ रहता है, तो सीधे आप बोलिएगा मुंबई, तो लेकिन मुंबई बोलने को आप बोल सकते हैं, लेकिन ये इससे ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि राम मुंबई में रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या आप खाना खाते हैं, तो आप बोल सकते हैं सीधे डायरेक्ट बोल सकते हैं हाँ नहीं, चाहे आप कहिएगा कि नहीं, मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि हाँ मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हाँ नहीं बोलने से ही काम चल जाएगा, हाँ नहीं से ही ये सेंटेंस पूरा हो जाता है, समझ में आया। इसको यस नो क्वेश्चन बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो यस नो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज का यूज होता है, ठीक है। और डू का जो यूज होता है वो डज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। जो सब्जेक्ट होते हैं वो तीन पर्सन में आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उस तीनों पर्सन में दो फॉर्म होता है, मतलब एक सिंगुलर होता है, प्लुरल होता है। तो थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होता है उसी के साथ डज का यूज होता है, और बाकी सब के साथ डू का यूज होता है, ठीक है। तो डज योर फैमिली लिव इन अ हाउस और एन अपार्टमेंट, क्या आपके की फैमिली आपके परिवार लिव मतलब रहना घर में रहते हैं, और मतलब या अपार्टमेंट में रहते हैं। तो वी लिव इन अ हाउस इन द कंट्री साइड। अब देखिए यहाँ पे वी के बाद वर्ब का जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज है, लिव है, ठीक है। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है तो उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है, और बाकी सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो वी लिव इन अ हाउस इन द कंट्री यार्ड, इसमें इन क्या है, दोनों जगह इन प्रीपोजिशन है कि हम लोग घर में रहते हैं, लेकिन घर में कहाँ पे रहते हैं, तो गांव में जो हमारा घर है उसमें रहते हैं। कंट्री साइड का मतलब होता है कंट्री के एक छोर पे, तो गांव सब छोर पे ही होता है, कंट्री के बीच में तो होता नहीं है, मतलब तो कंट्री साइड का मतलब गाँव होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी, अब ये भी देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है यहाँ पे, लेकिन व्हाट ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसमें पहले व्हाट का यूज होता है, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं, माय फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। अब ये एग्जांपल के लिए डॉक्टर है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपके पिताजी करते हैं। माय फादर इज ए फार्मर, माय फादर इज अ क्या कह सकते हैं, जो कुछ भी हैं, तो इसके अलावा पायलट है ना, चाहे माय फादर इज एन आर्मी, जो भी है। ही वर्क्स एट द लोकल हॉस्पिटल, वो कहाँ पे काम करते हैं, तो लोकल हॉस्पिटल है उसी में काम करते हैं। यहाँ पे देखिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज है, वर्क्स। जब किसी वर्ब में SEIS लगता है तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो मेरे पिताजी कहाँ काम करते हैं, तो जो लोकल हॉस्पिटल है उसमें काम करते हैं। एट का यूज है यहाँ पे, कहिएगा यहाँ पे इन का यूज क्यों नहीं है, इनका मतलब में होता है ना। तो प्रीपोजिशन के भी कई सारे प्रीपोजिशन का एक ही मीनिंग होता है, लेकिन उन सब का जो यूज होता है वो अलग अलग डिफरेंट वे में होता है, सबका रूल है। जैसे इन जो होता है वो बड़े जगहों के लिए होता है, और एट का यूज जो होता है वो छोटे जगहों के लिए होता है, जैसे हॉस्पिटल, घर, ये सब जगह जो होता है उसमें एट का यूज होता है, मे के अर्थ में ही, ठीक है। एट का मतलब पर भी होता है, कई जगह पर के रूप पर जहाँ पे मीनिंग आएगा वहाँ पे एट यूज होता है ना। तो ये है, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और वो एक लोकल हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है। हाउ ओल्ड इज योर मदर, हाउ ओल्ड मतलब कितनी आयु की, ओल्ड मतलब आयु, और हाउ मतलब कितना, और आपकी मम्मी कितनी आयु की है,
देखिए ये इज का यूज है तो ये भी मतलब सिंपल प्रेजेंट में नहीं आएगा, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। ठीक है, शी इज 40, क्योंकि इज एम आर का जहाँ भी यूज होगा वो प्रेजेंट में आता है, वॉज वर्ब का यूज होगा तो पास्ट में आता है, और शैल विल का यूज होगा तो वो फ्यूचर में आता है। शी इज 40 ईयर्स ओल्ड, 1 ईयर यंगर देन माई फादर। वह सी मतलब वह कितने साल की हैं, 40 साल की हैं, और लेकिन वो क्या है, देन का मतलब होता है की तुलना में, मेरे पिताजी की तुलना में यंगर हैं। ये देखिए ये डिग्री का यूज है, तीन तरह का डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये यंगर देन है, ये कंपरेटिव डिग्री का वाक्य है। अब ये डिग्री क्या होता है ये आपको जानना होगा, ग्रामर में जानिएगा। तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा डिग्री के बारे में भी। कोई अगर सिंपल चीज़ है, सिंपल सेंटेंस है, तो वो पॉजिटिव डिग्री में आता है। अगर आप किसी एक व्यक्ति से किसी की तुलना कर रहे हैं तो वो कंपरेटिव डिग्री में आता है, और अगर आप बहुत लोगों में किसी का यूज कर किसी की तुलना कर रहे हैं तो वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि मेरे पिताजी के तुलना में मेरी मम्मी 1 साल छोटी हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ अगर दिक्कत हुई हो तो आप उसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी कुछ सेंटेंस और हैं उसे भी हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं। तो इसी तरीके से मैं जो कन्वर्सेशनल जो इंग्लिश है स्पोकन के लिए यूज होता है वो भी मैं बीच बीच में लाता रहूँगा। ठीक है, और एडिटोरियल तो चलता ही रहेगा, तो आप लोग बस क्लासेस शेयर आए पसंद आएंगी तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, व्हाट्स हिज हर नेम। डू यू हैव, यहाँ फिर डू का यूज है, तो ये किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। डू यू हैव एनी सिबलिंग, क्या आपकी कोई भाई बहन है। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, इन एनी मतलब कोई। ठीक है, और हैव मतलब के पास होना। ठीक है, तो व्हाट्स हिज हर नेम, उसका उनका नाम क्या है। ठीक है, अगर आप ग्रामेटिकल रूल्स को भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बेसिक जो ग्रामर होता है थोड़ा बहुत तो जान पाएंगे तो फिर सेंटेंस को बनाने में आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप बना पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए भी एक तो वर्ड पावर तो होना ही चाहिए, तो वो तो कंपलसरी है, और उसके अलावा ग्रामर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो फिर आपको इन सेंटेंसेस को रटने, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि स्पोकन के लिए सेंटेंसेस को रटते हैं, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। खुद ही आप इसको यूज करने लगेंगे, मतलब आपको फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही दिमाग में आने लगेगा। तो व्हाट्स हिज हर नेम, उनका नाम क्या है। तो यस आई डू, आई हैव वन एल्डर ब्रदर डेविड एंड वन यंगर सिस्टर मैरी। यस मतलब हाँ, आई डू का मतलब कि वहाँ पे पूछा है ना कि डू यू हैव एनी सिबलिंग, तो आई डू का मतलब हाँ मेरे पास मतलब ये मेरे पास सिबलिंग है। जो यहाँ पे आई डू का मतलब, वैसे डू का मतलब करना होता है, लेकिन ये डू करना के रूप में यूज नहीं है, ये एक्चुअली इस रूप में यूज है कि जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ इसके रूप में। यस आई डू मतलब हाँ मेरे पास मेरे सिबलिंग्स मेरे पास हैं। तो कौन कौन से सिबलिंग हैं, तो आई हैव वन एल्डर ब्रदर, मेरा एक बड़ा भाई है डेविड, और एक छोटी बहन है, यंगर मतलब छोटी सिस्टर बहन है, जिसका नाम मैरी है। ठीक है, आर यू द एल्डेस्ट अमोंग योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आर मतलब क्या, आप यू मतलब हैं, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े, अमोंगस्ट मतलब के बीच में यानी सब में, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर अपने भाइयों और बहनों के बीच में क्या आप सबसे बड़े हैं। नो आई एम नॉट, आई एम द सेकेंड चाइल्ड इन माई फैमिली। नो मतलब नहीं, आई एम नॉट मतलब मैं नहीं हूँ, आई एम मैं हूँ, सेकेंड चाइल्ड मतलब दूसरा बच्चा, इन माई फैमिली अपने फैमिली में अपने परिवार में। ठीक है, व्हाट डज़ योर मदर फादर लाइक। अब ये डज डू मैं कई बार बता चुका तो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, बस डायरेक्टली इसका मीनिंग बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है WH वर्ड वाले का, और जो इसका होता है यस नो क्वेश्चन का, यस नो क्वेश्चन में पहले डू या डज आता है,
फिर सब्जेक्ट आता है, फिर अगर नहीं है तो नॉट का यूज आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, अगर नहीं का यूज नहीं है तो सीधे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन आएगा, फिर डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। तो अगर वर्ब है तो, नहीं है वर्ब तो जो दूसरा सेंटेंस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आएगा, जैसे यहाँ पे लाइक का यूज है, ठीक है, कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आ जा आ सकता है। तो व्हाट डज योर फादर मदर फादर लाइक, आपके माता पिताजी को क्या पसंद है, तो माय फादर लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल एंड माय मदर लाइक्स कुकिंग, मेरे पिताजी को क्या पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, और मेरी माताजी को खाना बनाना पसंद है। डू योर पेरेंट्स लेट यू स्टे आउट लेट, डू क्या आपके पेरेंट्स आपके माता पिता लेट मतलब अनुमति देते हैं किन को, यू आपको, स्टे आउट मतलब ठहरना रुकना, कहाँ, आउट मतलब बाहर और लेट मतलब देर तक, क्या आपके माता पिता आपको देर तक बाहर में रहने देते हैं, तो कह रहा है ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स का मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अवश्य ऑफ कोर्स का मतलब होता है। दे ऑलवेज आस्क मी टू गेट होम बिफोर 10 PM ईच नाइट, दे मतलब ये, ऑलवेज मतलब हमेशा, आस्क मतलब मुझे बोलते हैं, आस्क मतलब पूछना होता है, लेकिन यहाँ पे है कि मुझे कहते हैं टू गेट होम, गेट मतलब पाना होता है, गेट मतलब वापस आना, यहाँ पे है कहाँ पे, घर पे, बिफोर मतलब पहले, 10 बजे रात से पहले, ईच नाइट हर रात को, ठीक है। डू यू स्टे विद योर पेरेंट्स, डू यू क्या आप स्टे मतलब रहना, रहते हैं, विद मतलब साथ, अपने माता पिता के साथ, तो राइट नाउ नो बट आई यूज टू, राइट नाउ मतलब अभी, नो मतलब नहीं, बट मतलब लेकिन, आई यूज टू, यूज टू का यूज पास्ट टेंस में होता है, ठीक है, मैं पहले रहता था, और इसका मतलब होता है कि मैं इस काम को करता था, इस तरीके से इसका यूज होता है, यूज टू, जैसे मैं बोलूँगा आई यूज टू राइट बुक्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं किताबें लिखा करता था। आई यूज टू प्ले गेम्स, मैं गेम खेला करता था, तो यहाँ पे यूज टू का मतलब होता है कि मैं ये काम पहले किया करता था, ठीक है, इस तरीके से, मतलब मुझे आदत थी करने की, आदत के लिए यूज टू का यूज होता है। डज योर फैमिली यूजुअली हैव डिनर टुगेदर, डज मतलब क्या आपके फैमिली परिवार वाले, यूजुअली मतलब होता है सामान्य तौर पे, हमेशा, हैव डिनर रात का खाना, टुगेदर मतलब साथ में खाते हैं, यस वी डू, माय मॉम ऑलवेज प्रिपेयर्स डेलीशियस मील्स फॉर अस, यस हाँ हम लोग करते हैं, हम लोग एक साथ खाना खाते हैं, मेरी मम्मी ऑलवेज मतलब हमेशा, प्रिपेयर मतलब बनाती हैं, डेलीशियस मतलब स्वादिष्ट, मील्स मतलब भोजन, फॉर मतलब के लिए, अस मतलब हम लोगों के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये स्पोकन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये एक कन्वर्सेशन था फैमिली के बारे में, इस के आधार पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसकी प्रैक्टिस एक दो बार ऐसे ही इसको देख करके साथ साथ पढ़िएगा तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है, और मैं इसी तरह तरीके से कन्वर्सेशन की क्लास भी लाया करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, चलिए बाय।